आदमियों का गोश्त। झाड़ियों की चरमराहट की आवाज हुई और अमलतास के नीचे एक सियार दिख पड़ा। सियारनी ने दौड़कर सियार का स्वागत किया। वह दोनों दिन बाद लौटा था। उसका बदन चाटा और बोला, तुम्हारे चेहरे पर तो अजीब रौनक आ गई है, आखिर तुम रहे कहाँ दो दिन तक? सियार ने अपने रोए फुलाए, पूछे तानी और आंखें नचाकर कहा, जानती हो मैं आदमी का गोश्त खाकर आ रहा हूँ, जिंदा ताजा लजीज। आदमी का गोश्त ताज्जुब है, लेकिन जिंदा आदमी का गोश्त तुम्हें मिला कैसे? सियार बैठ गया और बोला, तुम्हारा साथ छूटने के बाद मैं शहर की ओर चला गया। उस अंधेरे में, उस सड़क पर न जाने कितने देहाती डरावने प्रेतों की भात चले जा रहे थे। मौन चुपचाप, उनके पैरों में ताकत न थी, मगर आंतों को मरोड़ती हुई भूख की गर्मी उनकी नसों में खून की रवानी की तरह दौड़ रही थी और वे मशीनों की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल से मालूम देता था जैसे सैकड़ों भूखे ईसा मसीह पीठ पर सूखी हड्डियों का क्रास लादे वध स्थल की ओर जा रहे हों। खैर, दिन भर दौड़ते रहने के बाद शाम तक मैं शहर के नज़दीक पहुंचा। वहां शहर का किनारा था और वहां से फौजी घास के मैदान शुरू हो जाते थे। सामने दो बड़ी ऊंची ऊंची कोठियां थी और उनके सामने सड़क के दूसरी ओर एक टूटा हुआ कच्चा झोपड़ा। मैंने झोपड़े में झांका, एक बूढ़ा कंकाल घुटनों से पेट दबाकर सर झुकाए बैठा था। झोपड़े की एक कोठरी से एक बच्चा कराहा पानी। बूढ़ा उठा मगर लड़खड़ा गया। अपने कमजोर और सूखे हाथों से उसने दीवार थामी और एक हाथ में पानी का बर्तन लेकर बच्चे की ओर बढ़ा। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया, बच्चे के ओठ से बर्तन लगाया, मगर इतने में पैर की हड्डियां कड़कड़ाई, उसका हाथ कांप गया और सारा पानी बच्चे पर गिर पड़ा। बच्चा तड़प गया और फिर गीली आवाज में कराहा पानी। बूढ़ा पहले चुप रहा और फिर प्रेत की तरह चीख कर बोला, मर जा, आखिर पीछा तो छुटे कमबख्त। उसके बाद वहां अपने लगा बैठ गया और सिसकने लगा, मर जा कमबख्त, ठहरो ठहरो। सियारनी ने बाधा दी, पास बैठे बच्चे को पंजों से खींचकर दूध पिलाने लगी और रूधे गले से बोली, क्या आदमी अपने बच्चे को प्यार नहीं करते? करते क्यों नहीं है? सियार ने जवाब दिया, प्यार तो कर सकने की बात है, जो कर पाता है करता है। सामने वाली कोठी में एक छोटा बच्चा हार्लिक्स न पीने के लिए रो रहा था और उसकी माँ उसे मना मना कर हार्लिक्स पिला रही थी। उसे सामर्थ्य थी न प्यार करने की, झोपड़ी में रहने वाला प्यार कर कहाँ पाता है, मजबूर है। खैर सुनो, वहाँ से मैं चला आया। दूसरी फुटपाथ पर कोठी की दीवार से सटकर एक आदमी लेटा था। मैं पास आया और शायद मर चुका था। पहले मैं चक्कर काटता रहा, फिर उसके नज़दीक गया। चारों तरफ अंधेरा था, कोठी की खिड़कियां बंद थी। मौका अच्छा था, मैं दबे पांव लाश के नज़दीक गया और धीरे से अपने दांत लाश के कंधे में गड़ा दिए। लाश चौंकी, उठी, मैं डर गया। वह आदमी अभी मरा नहीं था, जिंदा था। मैं उछल कर खड़ा हो गया। वह आदमी दर्दनाक आवाज में चीखने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज उसके गले में फंस कर रह जाती। मैंने अंदाज किया वह कम से कम 3 दिन से प्यासा और इसी से उसका खून भी गाढ़ा था, स्वादिष्ट। उसने करवट बदलने की कोशिश की, बेकार हाथ हिलाने की कोशिश की, बेकार। वह ठंड से अकड़ गया था, उसकी नसें जम गई थी। मैं फिर नज़दीक गया और उसके बाद कंधे के हिस्से से थोड़ा थोड़ा गोश्त काटना शुरू किया। वह आदमी फिर चीखा, मगर उसकी पसलियों में जमा हुआ कप उसके गले में अटक गया। मैंने पूरी ताकत से उसका गोश्त छीला और उसकी लाश थोड़ी दूर तक खींचाई और पुट्ठों से पीठ तक का गोश्त नीचे लटक गया। वह आदमी एक जमी हुई चीख मार कर बेहोश हो गया। उसके बाद बेहोशी में तो कोई बाधा ही नहीं। मैंने धीरे धीरे आसानी से खाना शुरू किया, मगर सुबह हो चली थी। पास की कोठरी में लोग जाग गए थे। ऊपर की छत से किसी ने रात का
रखा हुआ ठंडा पानी नीचे फेंक दिया। पानी बर्फ की तरह सर्द से मेरे ऊपर कुछ ही छींटे पड़े और मैं भाग गया। वह पानी सारा का सारा उस बेहोश और भूखी लाश पर पड़ा। ताजे जख्मों पर काटता हुआ बर्फीला पानी पड़ा और वह आदमी तड़प गया। उसकी नसें छटपटा गई, मगर मौत की तरह गंभीर कोशिश करने पर भी उसके मुंह से एक भी आवाज़ न निकली। दिन हो गया था। मैं पास की झाड़ी में छिप रहा। जाड़े की हल्की सुनहली धूप कोठी की दीवालों पर पड़ रही थी। नाचती हुई किरणें नीचे उतर कर लाश के जख्मों को देखने लगी। किरणों की गर्मी ने धीरे धीरे उस आदमी की जकड़ी हुई नसों को बंद को खोला और उस आदमी ने पलकें उठाई, करवट ली और दर्द से तड़पा तड़प उठा। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर पास की नालियां से उड़कर मक्खियां भिनभिनाने लगी। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर इतनी ताकत न थी। अपनी सूखी जुबान निकालकर उसने ओठ चाटे और गर्दन घुमाई। नसों पर जोर पड़ने से पुट्ठों के पास से खून की धारा बह निकली। उसने चीखने की कोशिश की, गला फंस गया। उसने बहुत बल लगा कर करवट बदली और ओठों को जमीन से लगाकर अपने पुट्ठों से बहता हुआ ताज़ा खून चाटा। अपना खून चाटा? सियारनी ने सहम कर पूछा। हाँ, अपना खून, अपनी कटी हुई रगों से बहता हुआ खून। जानती हूँ, वह 3 दिन 3 रातों का प्यासा था, मगर आदमी अपना खून भी पीता है? सियारनी ने ताज्जुब से पूछा। क्यों नहीं, यही तो आदमी की खासियत है। आदमी पहले तो दूसरे आदमी का खून पीकर गोश्त खाकर जिंदा रहता है, और जिसे दूसरों का गोश्त नहीं मिलता वह अपना ही खून पीता है। हम जानवर ऐसा नहीं करते, इसी से तुम्हें ताज्जुब होता है। मगर हम जानवरों की सारी कमी इंसान ने पूरी कर दी है, इसीलिए तो आदमी जानवरों से बड़ा माना जाता है। खैर, उस आदमी के गले में खून जाकर जम गया और उसकी रही सही बोली भी जाती रही। रास्ते पर लोग आने जाने लगे थे। दुकान खोलने जाता हुआ एक बनिया फुटपाथ पर आ रहा था। लाश देखकर वह झिझका और झल्ला कर बोला, जहाँ देखो कमबख्त मक्खियों की तरह मर जाते हैं, आने जाने का रास्ता तो कम से कम छोड़ दें। भारी दिन किसी तौर कट गया। रात आई, मैं मौका पाकर फिर उसके पास गया और धीरे धीरे उसका गोश्त खाता रहा। वह पूरी तौर से बेहोश था, मगर अभी मरा नहीं था, क्योंकि खून सूखा खून किसी तरह अटक अटक कर बह रहा था। इतने में सामने वाली खिड़की खोलकर कोई बोला, कुत्ते को मार कर भगा दो। जवाब मिला, जाने दो, वह उस भिखारी की जख्म चाट रहा है, कुत्ते के चाटने से जख्म अच्छे हो जाएंगे। लोग जाग गए थे। मैंने जल्दी से उसके दिल का एक लोथड़ा नोच लिया और चल दिया। हालांकि मैं दिन भर सोया था, मगर मुझसे चला नहीं जाता था। आदमी का गोश्त खाने से शायद चर्बी जल्दी बढ़ जाती है। मुझे ताज्जुब होता था कि बनिए और सेठ इतने मोटे कैसे होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद जिंदगी भर आदमी का गोश्त खाते होंगे। अच्छा, तो लोथड़ा गया कहाँ? सियारनी ने पूछा। सियार ने एक सूखे पत्ते के ढेर की ओर इशारा किया। सियारनी ने उसकी ओर उत्सुकता से बढ़ी और पत्तों को पंजे से हटाया। नीचे एक मांस का लोथड़ा था। सियारनी ने क्षण भर सियार की ओर देखा और उसमें दांत गड़ाए और एकाएक उछल कर पीछे हट गई। क्या हुआ? सियार ने पूछा। यह आदमी का गोश्त नहीं है, तुमने धोखा खाया। इसमें कहीं गर्मी नहीं, लज्जत नहीं है। इतना चिमड़ा कहीं आदमी का गोश्त होता है? नहीं, वह साफ आदमी था, सियार ने प्रतिवाद में कहा। क्या मैं आदमी नहीं पहचानता? ऊंची धोती लपेटे पास के किसी गांव का कोई देहाती भुखमरा था। देहाती भुखमरा? तभी तो मैं कहती हूँ कि आदमी नहीं था। क्यों? ये लोग कहीं आदमी होते हैं, भूख में सूख सूख कर मर जाने वाले, गुलामी में घुट घुट कर मिट जाने वाले कहीं आदमी होते हैं? सियार ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने गुलाम भूखे मरे का गोश्त खाया था, गुलाम भुखमरे को, जो शायद आदमी नहीं होते हैं। धन्यवाद फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।